No, tagging is mari. Rejected. Okay. Waalaikum assalam. ये शर्ट तो इसने फॉर्मल पहनी है, रिजेक्ट कैसे करूं? कदम एक है अपना, रिजेक्टेड. किसे पूछ के बैठे हो इधर? गेट आउट. सर वो इंटरव्यू था सर, मैंने कहा अंदर आया था सीधा ही. समझ नहीं आती एक दफा. गेट आउट. ओके. शुक्र है यार आशा कोटा पे. अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरी सीवी है. सीवी छोड़े हाँ होता है, सैलरी कितनी लेंगे? सर एक बार सीवी तो देख लें. सीवी कौन देखते हैं आजकल, हाँ सीधा कल जॉब पे आए. थैंक यू सर, आप कितने अच्छे हैं. देखिए इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको और हेल्प चाहिए तो आज सिर्फ मुझे बताएं. नाइस. सर मैं बहुत दूर से आती हूँ, क्या मुझे पिक एंड ड्रॉप मिल सकती है? अरे बस इतनी सी बात, ये ले चाबी, ये मेरे फ्लैट की चाबी है और सामने फ्लैट है वहाँ आके रहिए. नहीं नहीं सर इसकी कोई जरूरत नहीं है. अरे मैं कह रहा हूँ ना आप पकड़े इसे पकड़े. थैंक यू सर, आप कितने अच्छे हैं. मैं अपने हस्बैंड को भी कॉल करती हूँ कि वो बच्चों को लेकर आ जाए, शिफ्ट हो जाते हैं. क्या बच्चे? चाबी खा दे. रिजेक्टेड. देख लो. क्या देखूं सर, ऑफिस को देखो जल्दी से. देखिए सर. चलो बाहर दफा हो जाओ. अब सर क्या हुआ, मेरी सीवी तो देख लें. मैंने बोला बाहर दफा हो जाओ, 20 मिनट बाद आना. 20 minutes later. तुमने मेरे ऑफिस को अच्छी तरह देखा था? जी सर देखा था. बताओ फिर मेरे कमरे में क्या चेंज है? सर क्या हुआ, सब कुछ तो वही है. वो देखो टाइम चेंज हुआ है. तो गेट आउट. अच्छा बेटा आपने एफएससी 2014 में की है, अगर 2008 में की होती ना तो आज आप मेरी कुर्सी पर. मैम ऐसे कैसे, मेरी तो अभी इतनी उम्र भी नहीं है. जी बेटा वैसे इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, अगर आपके माँ बाप 5 साल पहले शादी कर लेते तो आज आपका फ्यूचर बन जाता. मैम ये किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? बेटा आपके तो ग्रेड्स भी बहुत कम है. मैं आपको ना अपनी कहानी सुनाती हूँ. 1990 की बात है, हम दर्जन मुंबई एक छोटे से किराए के घर में रहते थे. मैं सुबह को जॉब करती थी और रात में अपना पढ़ती थी, फिर भी मेरा A+ ग्रेड से डिग्री मुकम्मल हुई है. और यहाँ पर आपके अगर मैं रिजल्ट कार्ड देखूँ तो मुझे सी की एक बहुत लंबी फहरिस्त नज़र आ रही है. आप यकीन करें मेरा एक छोटा भाई है जिसके हाथ नहीं है, उसने अपने टांगों के बलबूते पर PhD मुकम्मल की है. और जहाँ तक बड़े भाई का ताल्लुक है उसकी टांगें नहीं है और वो ब्रांड पर डमी का काम कर रहा है. मैडम एक मिनट, मुझे तो याद आया मैं यहाँ पे जॉब के लिए आया था. ये आपको किसने बोला है? मैडम बाहर आपने बोर्ड लगाया हुआ जॉब का. ओहो दरअसल ना मेरे बाकी बहन भाई अपाहिज हैं और मुझे थोड़ा ज़हन का मसला है, तो शायद गलती में बेध्यानी से लगा. सीवी दे मेरी, अभी इतना टाइम पर बात किया मेरा.